नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के पाटन क्षेत्र में एसएसटी की टीम ने एक कार से चेकिंग के दौरान की 6,50,000 रुपए जब्त। एसएसटी की टीम जब पाटन के बासन चेकिंग नाका पर चेकिंग कर रही थी, इस दौरान एक गाड़ी की चेकिंग लेने पर उसमें से 6,50,000 रुपए की नगद राशि मिली। मामले में दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने की उक्त राशि के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज अभी तक पेश नहीं किए। युवकों का कहना है कि वह दमोह से अटक के रहने वाले हैं और किसी काम से जबलपुर के लिए राशि ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने राशि जब्त कर ली है। पाटन थाना प्रभारी नवल आर्य और एसएसटी प्रभारी हीरालाल असाठी का कहना है कि राशि जब्त कर जबलपुर ट्रेजरी में जमा कर दी जाएगी। यदि उक्त संबंध में कोई दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो फिर राशि इनको वापस की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना पाटन क्षेत्र अंतर्गत अंतर जिला पोस्ट चेकिंग जो वासन में लगी हुई है, उसमें जो हमारे आज एसएसटी दल प्रभारी श्री हीरालाल जी असाठी थे, उनके द्वारा दमोह तरफ से एक फोर व्हीलर जिसका नंबर MP20CH02243 था, उसे रोककर चेक किया गया। उसके जो चालक थे ऋषिकांत सराफ, उनके पास एक बैग मिला। उस बैग में 6,50,000 रुपए नगद राशि प्राप्त है। उससे उन राशि के बारे में पूछा गया, जो उनके द्वारा कहा जाए तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई और राशि संदिग्ध होने से उस राशि को और वाहन को हीरालाल जी के द्वारा थाना पर लाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया और जो हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करते हुए इस राशि को सीज कर लिया है। इसमें अभी ये राशि जिला कोषालय जबलपुर में जब्त करा दी जाएगी, जमा करा दी जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शेष जो आगे हो रही है संपन्न। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।